केंद्र सरकार के आम बजट को खान एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया ने प्रदेश के लिए निराशाजनक बताया है। भाया ने कहा कि इस बजट में राजस्थान के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकार को महंगाई कम करने, रोजगार देने और की तरफ ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पेट्रोल डीजल की दरें कम करने के बजाय बढ़ा दी गई हैं। भाया ने इस बजट को दिशाहीन बताया। केंद्र सरकार का जो बजट आया, मतलब उससे आने से पहले प्रदेश की और देश की जनता को बहुत उम्मीदें थी। कोरोना महामारी के कारण जो एक ठहराव सा हर तबके पे जो महसूस हो रहा है, लोगों की उम्मीद थी कि किसानों के लिए अलग से पैकेज होगा, व्यापारियों के लिए अलग से पैकेज होगा, बेरोजगारों के लिए अलग से पैकेज होगा। कई हर तबके को अपने अपने हिसाब से कई उम्मीदें थी, लेकिन बजट का जो देखा, इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने जो वादा किया किसानों के लिए, किसानों की आय हम दोगुना करेंगे, बढ़ा कर ये करेंगे, कोई उसमें विशेष प्रोविजन किसानों के लिए नहीं किया।